का जो है माली जात भी है, हम लोग के नौकरी हम लोग के नाम पर दूसरे जात को गार्डन में ड्यूटी दिया जा रहा है, माली की जगह पर अन्य जात है उसको इनको सालों से ये माली समाज को पीछे रखा गया, अंधकार में रखा गया था। माली जाति का कोई नौकरी स्थायी हमारे माली समाज के लिए। अच्छा, आप माली समाज के नेता है, ज्योतिबा फूले का जन्म कब हुआ बताइए? ज्योतिबा फूले का जन्म कब हुआ बताइए? 1827। आप से पूछ रहे हैं, आप नेता है ना, वहाँ से बताइए कब पूछ रहे हैं। नमस्कार, मैं हूँ सैफ, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर सिटीजन। पटना के इनकम टैक्स गुलंबर पर माली समाज के लोग रोड पर उतरे हैं। रोड पर उतरने का कारण है कि उनके समाज को सरकार नजरअंदाज कर रही है। इन तमाम चीजों पर यहाँ के लोगों का जो रोड पर उतरे हैं उनका कहना है, इन तमाम चीजों पर उनकी क्या राय है, तमाम चीजों पर हम उनसे बात करेंगे। मांग है मंडी, फूल मंडी, हम लोग किसान है, हम लोग फूल उपजाते हैं। पटना ने हम लोग के बेचने नहीं देता, प्रशासन लाठी लेके मारता है, बोलता है यहाँ से भागो, तुम लोग अपने मंत्री से मांग करो, मंत्री दे देगा तो हम लोग जगह दे देंगे, मारपीट नहीं करेंगे। हम लोग किसान है, गरीबी दल में फूल उपजाते हैं और यहाँ पर रहते हैं बाल बच्चा के खाने पीने के लिए, लेकिन क्या बेचे, बेचने नहीं देता है। इसलिए हम लोग के मंडी दीजिए कि ताकि सुख चैन का जिंदगी जिए। हम लोग किसान है, हमारे सरकार सब्सिडी देते है उपजाने के लिए, लेकिन बेचने के लिए सब्सिडी क्यों नहीं दे रहा है? हम लोग ये तो पहला बार में है, इससे ज्यादा ज्यादा माली संख्या में आएंगे, पूरे बिहार का माली संख्या में आएंगे। इसलिए कि माता सावित्री बाई भी हमारे फूले हैं और उन्हीं से वंशज हम लोग हैं, माली जात भी है, हम लोग के नौकरी हम लोग के नाम पर दूसरे जात को गार्डन में ड्यूटी दिया जा रहा है, माली की जगह पर अन्य जात है उसको इंक्वायरी किया जाए, सर्टिफिकेट देखा जाए, आधार कार्ड देखा जाए, पहचान पत्र देखा जाए कि कितना माली का वैकेंसी है। इसलिए जो भी मेरे बिहार का मुख्यमंत्री है उनसे मेरा आग्रह है कि तू के माली को निगरानी करे और सही जगह पर दे। हम लोग जात का माली हैं, खेती भी करते हैं और हम लोग फूल उपजाते हैं, तो विधायक लोग गला में माला पहन के शोभा दे के बढ़ाते हैं और माली का कोई जगह नहीं देते हैं। इसलिए हम लोग आज एकता होकर के माली, अभी और आएंगे अनेक लोग, पूरे बिहार का माली आएंगे। आपके सीएम है नीतीश जी, लालू यादव जी, क्या ये लोग आपकी बातें नहीं सुनते हैं? सुनेंगे, इसीलिए तो हम लोग एकता में आए हैं। तेजस्वी यादव जी उप मुख्यमंत्री है, उनको सुनना पड़ेगा, हर हाल में सुनना पड़ेगा। अगर नहीं सुनेंगे तो हम लोग दिल्ली पहुंचेंगे, प्रधानमंत्री के यहाँ, नरेंद्र मोदी के यहाँ पहुंचेंगे, पूरे जनता हम लोग चलेंगे। जितने माली मालाकार कल्याण समिति है, जो भी है माली माल जात में, सभी लोग हम लोग जनता दरबार में चल रहे हैं। कहाँ से हैं आप लोग? हम लोग देहात से हैं, देहात से नाना प्रकार के बहुत दूर से है, अयन खाव से है, नालंदा जिला से है, औरंगाबाद से है, समस्तीपुर से है, सीतामढ़ी से है, दरभंगा से है, आपका मंझौली से है, गौरी चक से है, गरापसुरा से है, आपका बिहार से बहुत दूर दूर से लोग आए हैं, क्योंकि हजारों हजार के संख्या में आए हुए हैं। इसलिए हम लोग के मंडी देना चाहिए और कोशिश कीजिए, देना ही पड़ेगा। क्या मांगे आप लोग? हम लोग का यही सरकार से, वर्तमान महागठबंधन सरकार से मांग है कि हम लोग का 75 साल से ये समाज पिछड़ा हुआ है, अब जागरूक हुआ है और 75 सालों से ये माली समाज को पीछे रखा गया, अंधकार में रखा गया था। माली जाति का कोई नौकरी स्थायी नहीं है। मांगे आप लोग कहाँ से आए? मैं विवेक कुमार, जिला अध्यक्ष रोहतास से आया हूँ, ठीक है। और हमारी मांगे हैं कि सभी कास्ट का, हर जाति हर वर्ग के लोगों का यहाँ पे हर 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 लोगों का वो है। वैसे ही हमारे माली समाज के लिए, अच्छा, आप माली समाज के नेता है, ज्योतिबा फूले का जन्म कब हुआ बताइए? ज्योतिबा फूले का जन्म कब हुआ बताइए? 1827। आप से पूछ रहे हैं, आप नेता है ना, वहाँ से बताइए कब अप्रैल 1827 में बोलिए। क्या क्या मांग है आप लोगों की? हम लोगों की स्थायी मंडी मांग है, 75 साल से हम लोग को अभी तक मंडी नहीं मिला है, हम लोग को मंडी चाहिए। मंडी चाहिए जी। अगर सरकार आपकी बात नहीं मानती तो क्या कीजिए? दर्शन करेंगे और भव्य रैली होगा, चक्का जाम होगा, अपना अधिकार नहीं करेंगे। कहाँ से आए आप? हम पटना से हैं, मैं सुधीर कुमार मालाकार, भारतीय जनपरिवार पार्टी राष्ट्रीय कोर कमेटी सदस्य। मैं सरकार से मांग करना चाहता हूँ कि माली के लिए स्थायी फूल मंडी पटना के अंदर में उपलब्ध करवाया जाए। दूसरी मांग, जो फूल बेचने के लिए सब्सिडी देते हैं तो फूल कहाँ माली बेचेगा? इसके लिए आप पटना के अंदर में जहाँ जहाँ मंदिर हो वहाँ फूल बेचने की व्यवस्था करवाए सरकार। तीसरी मांग, जो माली का बहाली निकल रहा पूरे बिहार में, उसमें माली का बहाली होना चाहिए। तीसरी अगर तीसरी में अगर आप सर्टिफिकेट के आधार पे, मैंने जाली सर्टिफिकेट के आधार पे बहाली करते हैं तो इससे बड़ा आंदोलन होगा, इससे बड़ा आंदोलन होगा बिहार के अंदर में। आप लोग माली समाज के लोग है तो उसका प्रमाण है आप लोगों के पास? दम प्रमाण है, प्रमाण है, दम प्रमाण है।
नहीं चाहते प्रमाण, प्रमाण ये माला है अगर वोट देने के काबिल नहीं है तो इसका क्या कारण है जो आप माली समाज को पीछे धकेले के हाथ से धकेले पर काम कर रहे हैं? क्या माली समाज बिहार का समाज नहीं है? तो आपने ही जातिवाद किया है क्योंकि माली समाज को आप पीछे करके किए हैं। क्यों किए आप 75 साल में? आपका क्या कारण है कि माली समाज को इग्नोर करके चले? नीतीश जी से पूछना, आप भी 4% है।